Good morning student, today I am here with a new video of class 10th science chapter light, reflection and refraction. तो हम लोगों ने refraction of light तक ख़त्म कर लिया था और इसके बाद हम लोगों ने lens को की शुरुआत कर चुके थे और lens में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, lens को हमने देखा lens क्या है और इसमें क्या क्या चीज़, principal axis क्या होता है इसका, optical center क्या होता है इसका है, focus दो होता है lens का, सब हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था और lens हमारा दो तरह का होता है, convex lens होता है, concave lens होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि lens जो है उस पर तो इमेज बनता होगा लेंस से, तो जब भी लेंस से हमने क्या बताया था, लेंस हमेशा काम करता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, तो लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज बनता है लेंस से भी, जैसे हमने देखा था मिरर से इमेज बन रहा है वैसे ही लेंस से भी इमेज बनता है। तो अब देखेंगे इमेज जो लेंस से बनता है उसके लिए क्या कुछ रूल है, जैसे कि रूल हम लोगों ने पढ़ा था मिरर के लिए वैसे ही कुछ रूल इसका भी है, लेंस के लिए भी रूल है कुछ, जिससे हम देखेंगे इमेज का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक डालते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। हमने पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे उसके बाद कनकेव लेंस पढ़ेंगे। तो हम अपना टॉपिक डाल लेते हैं, तो हमारा कुछ रूल रहेगा जिससे हम क्या करेंगे, इमेज के फॉर्मेशन का रूल है कन्वेक्स लेंस से, तो वो देखेंगे। हमें क्या, हमें पता है कि जब भी इमेज बनता है हमेशा क्या होता है, वो है जब कोई दो लाइट रेज क्या होता है मीट करता है या अपीयर टू बी मीट होता है, तब क्या होता है, तब लेंस हमारा इमेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम अब सबसे पहला रूल लिखते हैं, क्या बोला, व्हेन अ लाइट रेज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पासिंग थ्रू फोकस, क्या होगा वो फोकस से पास करेगा ऑफ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। हमने मिरर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या है, हमें ध्यान रखना है, क्या हो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, लेंस में हमेशा रिफ्रैक्शन होगा। व्हेन अ लाइट रेज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस, क्या होगा जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा लेंस कन्वेक्स लेंस के, वो क्या होगा फोकस से पास करे रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पढ़ा, तो पैरेलल रूल हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हम जानते हैं क्या यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, हम कोई भी लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस, उसका दो फोकस होता है, ठीक है, एक फोकस यहाँ होता है, ठीक है, और एक फोकस आगे होता है। और ये 2f' क्या है, जो हम देखते हैं मिरर में जो हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही क्या है 2f है। हम जानते हैं क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, दुगना होता है फोकल लेंथ के, होता है ना दुगना, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, किसे क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या है एफ डैश, यहाँ पे यहाँ इसको हम एफ डैश लिखते हैं, टू एफ डैश लिखते हैं, यहाँ पे एफ और टू एफ, ठीक है। तो क्या लाइट रेस, क्या ये लाइट रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट रेस क्या है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन होने के बाद लेंस से ये क्या हो रहा है गुजर रहा है प्रिंसिपल फोकस से, या फोकस से गुजर रहा है, ठीक है, एफ से। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये डी लिखा था, क्यों यहाँ पे बताया था पहले क्या कि लाइट ये जो लेंस होता है वो क्या होता है, उसका अपर्चर लेंस का होता है वो उसके डायमीटर शो करते, इसी यहाँ पे क्या डी लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे साफ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सही कर दीजिए, डी है ये, ठीक है। तो पहला समझ गए हम लोग, जब कोई लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा वो क्या होगा रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से गुजरेगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद, ठीक है, ये था पहला रूल। अब दूसरा रूल देखते हैं, तो दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, व्हेन अ लाइट रेज गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा राइटर बोल रहा है कि जब हमारा लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता हो तो क्या होगा, वो कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है तो क्या होता है, वो स्ट्रेट चला जाता है बिना किसी डेविएशन हुए, क्या होता है वो स्ट्रेट चला जाता है रिफ्रैक्शन के बाद, जिसके डायग्राम जैसे देखते हैं हम लोग हैं,
दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे है कि जब कोई लाइट क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रहा है, तो क्या होगा, बिना किसी डेविएशन के वो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। पहले बताया था फर्स्ट इसके लेंस के पहले लेक्चर में कि जो कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरता है वो क्या होता है, बिना किसी डेविएशन के सीधा निकल जाता है। तो यही पे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जब ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट रे गुजरेगा तो बिना किसी डेविएशन के वो क्या होगा, सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात क्या है, जब कोई लाइट रेज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही जाएगा तो वो भी क्या होगा, डेविएट नहीं होगा, वो स्ट्रेट निकल जाएगा। कोई लाइट रेज यहाँ से आए तब भी डेविएट नहीं होगा, स्फेरिकल लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो भी क्या होगा, स्ट्रेट चला जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर जो भी लाइट रेज क्रॉस करेगा वो क्या होगा, बिना डेविएशन के स्ट्रेट निकल जाएगा, ठीक है, वो जहाँ से भी आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल, इसे नोट कीजिए, फिर हम तीसरा रूल, एक और रूल इसका है तो वो देखते हैं, तो इसे नोट कीजिए पहले। तो ये हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। अब हमारा तीसरा रूल और लास्ट रूल है इसका, तो हमारा तीसरा रूल क्या बोल रहा है, व्हेन अ लाइट रेज गोइंग थ्रू द फोकस, जब कोई लाइट रेज फोकस से गुजरता हो तो क्या हो जाएगा, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस से पास करने के बाद, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखते हैं कैसा होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, कोई लाइट रेस क्या हो रहा है, वो प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है, ये क्या हो रहा है, फोकस से जा रहा है, किसके लेंस के, कन्वेक्स लेंस के फोकस से गुजर रहा है, क्या लाइट रेस, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, पास लेंस से पास होने के बाद क्या हो रहा है, पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, एकदम क्या, ये अपोजिट है केस वन के। केस वन में क्या था, जब कोई लाइट रेस पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या फोकस से गुजर रहा था रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, जब लाइट रेस प्रिंसिपल फोकस से गुजर रहा है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट रूल, इसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉन्वेक्स लेंस। तो हो गया, वैसे इरेज कर देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं उसके मदद से, फिर हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा कन्वेक्स लेंस। तो यहां पे हम क्या करें, इमेज को हम रखेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, लेंस के लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं हमें क्या, यहाँ पे हम एफ डैश है हमारा, यहाँ पे टू एफ डैश है, ठीक है, वहाँ पे एफ है हमारा और टू एफ है वहाँ पे हमारा, ठीक है। तो एफ हम ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे रखेंगे, इमेज को नहीं, क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे सर, इमेज तो हमारा उस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा, ठीक है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में, फिर रखेंगे एट द एफ डैश रखेंगे, फिर रखेंगे टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में, फिर रखेंगे एट द टू एफ डैश रखेंगे, फिर रखेंगे हम बियॉन्ड टू एफ डैश। तो कैसे कैसे रखेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम कैसे इमेज को रखेंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, एट द फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, बिटवीन टू एफ डैश एंड एफ डैश, एट टू एफ डैश, बियॉन्ड टू एफ डैश एंड एट इन्फिनिटी, अभी क्या कहें इन्फिनिटी से रखेंगे। तो इसे नोट कीजिए, इसको हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंथ, नोट कीजिए पहले। तो हो गया, इसे इरेज करते हैं फिर देखते हैं। तो पहले हम क्या, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख के देखते हैं इमेज हमारा कहाँ बनता है।
तो ये हो गया हमारा पहला। इसमें क्या है, जब कोई लाइट हम ऑब्जेक्ट रखा, हम ऑब्जेक्ट रखा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा, एफ डैश के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और एफ डैश के बीच में रखा। पहला का पहले क्या हुआ, पहले लाइट रेस क्या हुआ, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्ट हो गया प्रिंसिपल फोकस से गुजरा। एक और चीज़ देखना, आप हम जो ये लाइन जो पढ़ा हमने, क्या है ये लाइन है, यहीं से लाइट रिफ्रैक्ट, लाइट तो हम बोले लेंस हम बनाया है यहाँ पे, तो लाइट तो यहीं से रिफ्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिफ्रैक्ट लाइट कर रहे हैं लाइन से। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जो लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या, बहुत ही थिन लेंस है, बहुत ही पतला लेंस है, इतने पतले लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग हैं कि अगर उसको एक लाइन से भी डिनोट किया जाए तो उसे मान लिया कि वो लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस की ड्रा करें या कन्वेक्स लेंस ड्रा करें, सबको हम पतले लाइन से भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ही थिन लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, एकदम पतला लेंस के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करें, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से लाइट को रिफ्रैक्ट करा रहे हैं। तो पहला क्या हुआ, जब कोई लाइट रेस हमने क्या, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा एफ डैश और ओ के बीच में, तो पहला लाइट रेस क्या, पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस का रिफ्रैक्ट हो क्या गया, फोकस से गुजर गया। ठीक है, और दूसरा लाइट रेस क्या, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लाइट रेस जो है आगे जाके क्या डेविएट हो रहा है, फैल रहा है लाइट रेस। जब कोई लाइट रेस फैल रहा है आगे जाके तो क्या होगा, कहीं मीट ही नहीं करेगा। ठीक है, और हमारा इमेज कहाँ बनता है, जब कोई लाइट रेस मीट करता है या तो अपीयर टू बी मीट होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फैल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे अगर फिर हम क्या किया, इसको प्रोड्यूस किया बैकवर्ड। ठीक है, इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया लाइट रेस, तो देखा एक जगह पे आके मिला, और वो जगह कहाँ पे मिला के, बियॉन्ड टू एफ डैश। कहाँ मिला, बियॉन्ड टू एफ डैश मिला। और ये इमेज हमारा क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, सीधा है, और क्या है, ये वर्चुअल बना है, ठीक है, सीधा बना है। ठीक है, और इसमें क्या देख रहे हैं, क्या है ये इमेज, एक बना कहाँ पे, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड बना, कहाँ बना ये, ऑब्जेक्ट के लेफ्ट हैंड साइड में बना। और इमेज हमारा कैसा ही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इरेक्ट मैंने क्या, सीधा होता है, वर्चुअल मतलब होता है जिसको हम इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इमेज क्या, हम देख रहे हैं कि ये क्या डॉटेड लाइन्स हमने प्रोड्यूस किया, ये क्या हमारा इमेजिनरी लाइन रेज है, इमेजिनरी लाइन रेज बना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो, ये इमेजिनरी इमेज बना, मतलब वर्चुअल इमेज बना जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इमेज हमारा कैसा बना, यहाँ पे लिख देते हैं, तो इमेज हमारा क्या हुआ, बियॉन्ड टू एफ बना, वर्चुअल इरेक्ट बना, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। ठीक है, तो इसे नोट किया, फिर सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, वैसे भी इरेज कर देते हैं। अब दूसरा केस, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे क्या, एफ डैश पे रखेंगे। ठीक है, तब देखते हैं हमारा इमेज कैसा बनता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, हम देख रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पे, एट एफ डैश। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एफ डैश पे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइट रेज पहले क्या हुआ, पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, फोकस से गुजर गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल क्या हो गया, फोकस से गुजर गया। दूसरा देखने को क्या, ऑप्टिकल सेंटर से गया और सीधा गुजर गया। ठीक है, पहले बता चुके हैं ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट रेज गुजरेगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा, बिना किसी डेविएशन के चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइट रेस क्या पैरेलल है, ये जो लाइट रेस क्या पैरेलल, जितना जितना आगे बढ़ाते रहेंगे वो मिलेगा कहीं पे। पैरेलल लाइट रेस मतलब क्या हुआ, एक बीच का जो डिस्टेंस हो, दोनों लाइन लाइट रेस दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस हो वो हर जगह इक्वल हो, तो वैसे लाइन को हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, तो यह यहाँ पे देख रहे हैं लाइन दोनों क्या पैरेलल है। ठीक है, जब ये लाइट रेस पैरेलल यहाँ है तो कहीं पर मिलेगा ही नहीं, इसलिए ये कहाँ जाकर मिलेगा, एट द फोकस। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, एट द फोकस मिलेगा यहाँ पे, क्या एट द इन्फिनिटी मिलेगा। क्या हो, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो क्या हुआ, पैरेलल लाइट रेस क्या हुआ, पैरेलल जाके वो कहाँ से गया, प्रिंसिपल फोकस से गुजरा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, तो स्ट्रेट से लग गया। और देख रहे हैं दोनों लाइट्स क्या, पैरेलल लाइट रेस, दोनों लाइट रेस है, इसलिए क्या होगा, एट इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कैसा इमेज हमारा कैसा बनेगा। तो इमेज हमारा क्या होगा, एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी इमेज बनता है रियल तो हमेशा क्या, इन्वर्टर बनता है,
और जब भी इमेज हमारा बनता है वर्चुअल तो हमेशा वो इरेक्ट बनता है। तो जब भी हमारा इमेज बनेगा रियल तो ये इन्वर्टेड रहेगा, और जब हमारा इमेज बनेगा वर्चुअल तो वह कैसा होगा, इरेक्ट होगा, मतलब सीधा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, इसे नोट कीजिए। तो इसके बाद देखते हैं थर्ड केस क्या है। ये हमारा सेकंड केस था। तो ये हो गया हमारा, इसे इरेज कर देते हैं। और हमारा तीसरा केस, अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन टू एफ डैश एंड एफ डैश, टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को हम। तो ये था हमारा थर्ड केस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन टू एफ डैश एंड एफ डैश। जब हम ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में, तो देख रहे हैं हमारा क्या, एक लैटिस पैरेलल गया और प्रिंसिपल फोकस से गुजर गया, और दूसरा लैट क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो गया, वो स्ट्रेट निकल गया। तो हम देख रहे हैं हमारा इमेज बन रहा है कहाँ पे, बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस, लेंस के राइट साइड कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड टू एफ, टू एफ के बाहर बन रहा है, टू एफ के और आगे बन रहा था। आप लिखते थे इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, तो इमेज हमारा क्या बियॉन्ड टू एफ बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, या तो मैग्नीफाइड उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या हुआ यहाँ पे देखा तीसरा केस, जब हमारा क्या ऑब्जेक्ट रखा था हम बिटवीन एफ डैश एंड टू एफ डैश रखा था बीच में, तो हमारा इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड टू एफ। ठीक है, इसे नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं चौथा केस, तो हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट टू एफ डैश, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे टू एफ डैश पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे जो हम ऑब्जेक्ट को रखा टू एफ डैश पे, तो क्या हुआ पैरेलल एक्सिस क्या हो, जो पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, और क्या होगा रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरा, दूसरा एड्रेस क्या हो डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गया स्ट्रेट, और जब जहाँ पे लाइट रेज मिला वहाँ पे क्या टू एफ था, इमेज क्या हुआ टू एफ पे बना। यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज हमारा ए बी और ए डैश बी डैश दोनों लगभग इक्वल है, तो यहाँ पे इमेज हमारा क्या हुआ इक्वल बना है, मतलब सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें, तो यहाँ पे हमारा इमेज कैसे बना, एट टू एफ बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, और बियॉन्ड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बना, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का दोनों सेम होगा। ठीक है, नोट कीजिए। फिर से देखते हैं फिफ्थ केस, तो इसे रेस कर देते हैं, हो गया होगा। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड टू एफ डैश, टू एफ डैश से भी पीछे रखेंगे। तो यह हो गया हमारा पांचवा केस, जिसमें क्या और लाइट रेस हमारा देख रहे हैं हम यहाँ पे क्या है, लाइट रेस जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन पर क्या हुआ प्रिंसिपल फोकस से गुजरा। ठीक है, और दूसरा लाइट क्या हुआ जो ऑप्टिकल सेंटर से किया और डेविएट बिना किसी डेविएशन के वो क्या हो गया स्ट्रेट चला गया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम इमेज हमारा क्या बन रहा है, बिटवीन एफ एंड टू एफ बन रहा है, इमेज हमारा बन रहा है बिटवीन एफ एंड टू एफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज हमारा कैसा बन रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें क्या इमेज हमारा क्या ऑब्जेक्ट से छोटा हमारा इमेज है। ठीक है, इमेज हमारा बिटवीन एफ एंड टू एफ बना। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना हमारा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा बना। ठीक है, तो इससे नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं छठा और लास्ट केस, तो हो गया हमारा, इसे इरेज कर देते हैं। ये हमारा क्या है लास्ट केस है, ठीक है छठा। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे। अब
तो यहाँ हम देख रहे हैं हम क्या यहाँ पे कि जब हम लाइट रेस को क्या इन्फिनिटी से ला रहे हैं, लाइट रेस को हम क्या कर रहे हैं इन्फिनिटी से ला रहे हैं यहाँ पे हैं। और जब हम लाइट रेस को इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो क्या हो रहा, वो पहला लाइट रेस जो क्या हुआ मतलब क्या वो पैरेलल तो नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, लेकिन क्या किसी एंगल पे गया प्रिंसिपल एक्सिस पे, इंक्लाइन लाइन रेस गया लेकिन क्या हल्का सा डेविएट किया, ठीक है फोकस से नहीं गुजरा, पहले गुजर गया, फोकस तो यहाँ पे हमारा ठीक है लेकिन वो थोड़ा पहले गुजर गया। दूसरा लाइट रेस क्या वो ऑप्टिकल सेंटर से गया, जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से गया वो क्या स्ट्रेट चला गया और एक पॉइंट पे आके दोनों लाइट रेस मीट किया, और जिस पॉइंट पे आके मीट किया वो क्या प्रिंसिपल फोकस था, मतलब फोकस था ठीक है। तो हमारा देखिए जब लाइट रेस हमारा इन्फिनिटी से आ रहा है क्या फोकस पे आके मिल रहा है ठीक है। तो यहाँ पे इमेज हमारा बहुत ही बड़ा होगा, इमेज हमारा जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा इन्फिनिटी से आ रहा है ठीक है। तो यहाँ पे इमेज हमारा कितना बहुत छोटा बन रहा है ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हमारा इमेज कैसा बन रहा है। तो इमेज हमारा क्या बन रहा है एट द फोकस, फोकस पे बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है इमेज हमारा, और मच स्मॉलर मतलब हाईली डिमिनाइज बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो। ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ही बड़ा होगा लेकिन इमेज हमारा बहुत ही छोटा बन रहा है। तो ये था हमारा लास्ट केस ठीक है। तो हमने 6 केस पढ़ा अभी ठीक है, अब हम क्या करेंगे सबको समराइज करेंगे एक टेबल पे उतारेंगे सबको ठीक है। तो इसे नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं टेबल पे उतार करके। तो ये हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टेबल, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज ठीक है। पहला पोजीशन जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा, एफ डैश के बीच में रखा, इमेज हमारा बना बियॉन्ड एफ टू एफ डैश ठीक है, राइट साइड ऑफ द लेंस, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस हमारा, और इमेज हमारा इनलार्ज बना, वर्चुअल इंडेक्ट बना। ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस है, जो पहला केस जब हम ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एफ डैश के बीच में रखा तो हमारा इमेज वर्चुअल इंडेक्ट बना, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा ठीक है, मिरर की तरह ये भी है ठीक है। यहाँ पे जब हम फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी इमेज बना, हाईली मैग्नीफाइड बना, रियल इन्वर्टेड इमेज बना। जब हम टू एफ डैश और एफ डैश के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो बियॉन्ड टू एफ बना, लार्जर ऑब्जेक्ट बना और रियल इन्वर्टेड बना। जब हम टू एफ डैश के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, टू एफ डैश पे रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज हमारा टू एफ बना, सेम सतह का बना और रियल इन्वर्टर बना। बियॉन्ड टू एफ डैश रखा तो ये ऑब्जेक्ट को हम, तो हमारा इमेज बना बिटवीन टू एफ एंड एफ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना, फिर क्या बना रियल इन्वर्टर बना। एट इन्फिनिटी पे रखा प्रिंसिपल फोकस पे बना, मच स्मॉलर बहुत ही स्मॉलर बना और रियल इन्वर्टर बना, इसको हम हाईली डिमिनाइज भी कहते हैं, डिमिनाइज्ड भी कहते हैं ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब अब हम इमेज को यहाँ पर, ये तो हमारा एक्सेप्शनल केस है ठीक है, इसको हटाते हैं इसको। अब यहाँ देखते हैं फोकस पे रखा इन्फिनिटी पे बना, इन्फिनिटी पे रखा फोकस पे बना ठीक है। बियॉन्ड टू एफ डैश एफ डैश रखा तो बियॉन्ड टू एफ बना, जब बियॉन्ड टू एफ डैश रखा तो बिटवीन टू एफ एंड एफ डैश बना ठीक है। जब ऑयल को हम क्या रखा टू एफ पे रखा तो टू एफ पे बना ठीक है, मतलब टू एफ डैश पे रखा तो टू एफ पे बना। यहाँ पर देखें हमारा इमेज हमारा हाईली मैग्नीफाइड यहाँ पे है, अरे बहुत ही छोटा, मच स्मॉलर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सेम साइज का है ठीक है। देखें यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड है यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा और तो हाईली मैग्नीफाइड, जहाँ इमेज का बना इन्फिनिटी, और जहाँ इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो हमारा बना फोकस पे बना इमेज और मच स्मॉलर। यहाँ पे देख रिलेट कर रहा है हाईली मैग्नीफाइड मच स्मॉलर, यहाँ पे जब हम बिटवीन टू एफ डैश और एफ डैश रखा तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना, लेकिन बिटवीन टू एफ रखा यहाँ पे जब इमेज हमारा टू एफ बना था, ऑब्जेक्ट टू एफ डैश रखा हमारा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सेम साइज का यहाँ पे ठीक है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे तो आराम से हमारा इमेज बन जाएगा किसी भी का लेंस का। वीडियो यहीं तक के लिए, इसमें हम लोगों ने लेंस का रूल पढ़ा और इमेज फॉर्मेशन पढ़ा कन्वेक्स लेंस का। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।